नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी संचालित NA0 वाला प्राथमिक स्कूल दाहोद प्रस्तुत ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी के अंदर हिंद देश के निवासी काव्य की समझ लेंगे। हिंद देश के निवासी यह काव्य में विविधता में एकता की विशेषता बताता हुआ काव्य है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हम इस काव्य को अच्छे से सुर में गाएंगे, तभी आपको यह काव्य याद रहेगा। मैं अब आपको इस काव्य का राग सिखाती हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला मेक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला मेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह काव्य कंठस्थ करनी है और इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं वे भी अपने नोटबुक में किताब में से देखकर लिखना है और उसका इसे राग के साथ आपको याद करनी है। इसका भावार्थ मैं आपको भाग 2 में बताऊंगी। धन्यवाद।